डर लग रहा है, डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, वी विल फाइंड आउट मी एंड यू बोथ। इस पलक का ऑपरेशन होने वाला है। सो आज मैं जा रही हूँ डेंटिस्ट के पास, बिकॉज मेरा ये वाला जो ऊपर वाला जो विजडम टीथ है, सो उसके लिए आई एम गोइंग टू द डेंटिस्ट एंड लेट्स सी वो क्या बोलता है। एंड उसके बाद आई ऑल्सो हैव टू गो टू द मॉल बिकॉज अ वेरी स्पेशल इवेंट इज कमिंग एंड आई रियली नीड टू गेट सम क्लोथ्स, बिकॉज यहाँ पे मैं जो लखनऊ में जो मेरी वार्डरोब है दैट इज प्योर कॉलेज वाली, मैं जो अपने अच्छे कपड़े लेके आई थी यहाँ पे वो मैं वापस दिल्ली लेके चली गई थी व्हेन आई सॉ कि भाई यहाँ पे तो आई कांट वेयर दोज दिल्ली वाले कपड़े इन लखनऊ, तो वो सारे कपड़े मैं वापस लेके चली गई थी, इसलिए आई हैव टू पिक सम आउटफिट्स फॉर दैट इवेंट एंड यस लेट्स गो। एंड आई एम सो सॉरी फॉर लुकिंग सो होमलेस, भाई मुझे शर्म भी नहीं आती, इट्स यू गाइस आर लाइक माई फैमिली सो मुझे शर्म नहीं आती है बिल्कुल भी, मैं ऐसे ही मैं बस अभी उठी हूँ, मैंने मुँह धोया है एंड आई एम लीविंग फॉर द डेंटिस्ट, आई विल सी यू। इस पर लगा ऑपरेशन होने वाला है। यस ऑल द जंक ईटिंग हैज फाइनली कॉट अप, जो ये सब बताती है ना, ये जो खाती रहती है, एवरीथिंग हैज कॉट अप, एवरीथिंग ईच एंड एवरीथिंग, सारा पास्ता मैगी कोल्ड ड्रिंक, ये देखिए दांत का दर्द लेके बैठी हैं। डू यू हैव एनीथिंग टू से, क्या ही बोलोगे, बोलने के लिए कुछ रह नहीं गया, मुंह ही नहीं खुल रहा। बराबर में था जहाँ से हम लोगों ने रेफर कराया, बट हम लोगों ने अराउंड 2-3 किलोमीटर फालतू में घूमा, क्योंकि बच्चे के फोन बेकार है तो उसके फोन में मैप सही से नहीं चल रहा था। दैट इज नॉट ट्रू, गाइस हम लोग अभी डेंटल क्लिनिक से निकले हैं और फलक के ज़्यादा खाने की वजह से उसके दांत खराब हो गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, दैट इज द ट्रूथ, शट अप, दैट इज द ओनली एंड ओनली ट्रूथ, ये सब जो भी आपको बाकी बकवास बताए वो सब झूठ है, ठीक है। ये मेरा विजडम, देखो बोला भी नहीं जा रहा, ये मेरा विजडम टीथ है ऊपर वाला जो आ रहा है, अब मेरे अंदर ऑलरेडी विजडम था बट अब ये टीथ आने के बाद और कुछ नहीं है, और ज़्यादा विजडम आ जाएगा, तो डॉक्टर ने बोला है कि ये ऐसे ही आता रहेगा एंड ये आपको ऑपरेट करवाना पड़ेगा, तो अभी आई एम गोइंग टू गो बैक होम एंड क्राई अबाउट इट एंड देन आई डिसाइड वेदर आई, मतलब वही करवाना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। वेल टेक्निकली डॉक्टर ने ये नहीं बोला था, डॉक्टर ने एग्जैक्टली ये नहीं बोला था, ही सेड इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, बिकॉज हम लोग जब पहले वी इवॉल्व तो हम लोग के मोलर्स जो थे दे वर मोर डिफाइंड, तो वो मतलब वो इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, बट हम लोग जब से हम लोग, तुमने बस इंग्लिश में बोल दिया, मैंने हिंदी में बोला, एवोल्यूशन नो इट नेवर मेंशन एवोल्यूशन, तो मैंने तो उसकी वजह से ना आपको भी कभी हो सकता है, सो तो कंसल्ट अ डॉक्टर, या और उन्होंने बोला कि चार दांत है वो आते ही आते हैं, कुछ कुछ लोग लाइक इफ यू आर लकी इनफ तो आपके आ जाएंगे एंड यू वॉन्ट लाइक गेट टू नो अबाउट, यू वॉन्ट इवन फील एनीथिंग, बट मेरा ये अभी कुछ टाइम पहले भी होता है, जस्ट इग्नोर्ड लाइक आई इन शॉर्ट। That is too revealing, I guess. Are you mad? Don't. I don't know. I'm gonna get judged. What should I wear? Not too revealing. For your night, the concert, the show. Jo man ho.
आई हैव अ ड्रेस, कुछ भी पहन लो, यू लुक सुंदर। ऐसे ना वो लैवेंडर कलर का स्पार्कली सा, मैं सोच रहा था वो पहन लो, रात में अच्छी लगेगी वो। लैवेंडर कलर के बहुत स्पार्कली स्पार्कली है। That would be nice. One hour later. I am searching for clothes to wear at Richie's show. जो कि हम लोग पूरा जब से कॉलेज स्टार्ट हुआ हम लोग तब से वेट कर रहे हैं, एंड ऑल ऑफ अस आर सो एक्साइटेड। बट मेरे को कपड़े मिल नहीं रहे वेस्ट साइड में, लाइक एवरीथिंग इज वेरी बेसिक एंड आई डोंट वांट टू गो फॉर बेसिक बिकॉज दिस इज द फर्स्ट शो आई बी गोइंग टू एंड फर्स्ट म्यूजिक फेस्ट। यस, ये वाली ड्रेस Black would look good but too hot, मतलब in both sense. इधर तो formals है, ये formals है। फिर Zudio चले? देख लो। यहाँ पे Zudio है? I guess, I don't know. Cannot find the perfect outfit to wear. It's really stressing me out. And you're not helping me. Well. Huh? मैं क्या बोलूँ? मैं क्या? Tell me if you like something. Everything is very basic. Let's go. Mm-hmm. दर्द है मेरे और मैं यहाँ पे ये काम कर रही हूँ। फिर उसका ड्रेस के साथ में देखने के लिए फिर ज्वेलरी भी देखनी है। टू मच डोंट हैव एनीथिंग इन योर वार्डरोब? आई हैव बट आई लाइक आई वांट टू जस्ट स्टैंड आउट। यू ऑलरेडी डू आई गेस। यस, बाय बीइंग एब्सोल्युटली होमलेस कॉलेज में। अरे भाई वो देखो फकीर। नहीं, जस्ट किडिंग गाइस, कॉलेज में फलक बहुत अच्छे से ड्रेस होकर आती है। नहीं, मैं नहीं आती है एंड एवरीवन नोस दैट। यस, दैट वाज मी बीइंग मॉडेस्ट। हां भाई, मतलब सच में दिस नो नो Do you like this? Nice, like puff? No, it's for you. I said I don't want. अरे कुछ तो खाओ। अजीब सी लग रही हूँ मैं। It's because it's very hot. That's why मेरी ये homeless लग रही हूँ मैं। तो hot as fuck है। We are. अब हम लोग studio में आ गए lifestyle और this is like our second mall and I still haven't been able to find the right outfit for the show. एंड आई डोंट नो व्हाट आई विल डू। नहीं मिला तो मुझे नहीं पता मैं क्या पहनने वाली हूँ। स्टूडियो में द कलेक्शन इज नाइस समर्स का, अभी बहुत पेस्टल कलर्स में, एवरीथिंग इज वेरी पेस्टली। ए लुक एट दिस पिंक वन, दिस वन इट्स लाइक माय रेड वन, या जस्ट पिंक। It's been 3 days जब से मेरे दांत में दर्द हो रहे हैं एंड आई फाइनली वॉज एबल टू गेट द आउटफिट, वो जो मैंने ग्रीन वाला दिखाया है, जस्ट गॉट द टॉप, क्योंकि वो पूरा स्कर्ट के साथ तो पूरा बीची वाला वाइब आ रहा था, तो आई जस्ट गॉट द टॉप एंड आई विल स्टाइल इट। सो आई एम सो एक्साइटेड फॉर द शो, माय गॉड, आई विल एंड यू विल सी दैट व्लॉग सून। बहुत गर्मी हो रही है यहाँ पे लखनऊ में, इट्स लाइक 47 डिग्रीज एंड मैं जीप से इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज मेरा मुँह पूरा खुल नहीं रहा है बिकॉज ऑफ द इमेंस पेन एंड आई डोंट नो जो होगा, पता नहीं क्या होगा, मुझे तो डर लग रहा है। डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। वी विल फाइंड आउट मी एंड यू बोथ। सो
थैंक यू सो मच इफ यू आर ह्योर एंड इफ यू आर न्यू डोंट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू बी काइंड टू एवरीथिंग दैट लिव्स बाय.